लॉकडाउन के चलते राजधानी के नरेना ग्राम पंचायत में डेढ़ माह से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सैकड़ों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जो कि प्रशासन से मजदूरी दिलाने के साथ ही अपने अपने घर जाने की गुहार लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में JSIW इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड कंपनी में 140 मजदूर गैस पाइपलाइन डालने का कार्य कर रहे हैं। इसी बीच लॉकडाउन लग गया और सभी मजदूर फंस गए। हालांकि कंपनी के मालिक ने मजदूरों के खाने और रहने की व्यवस्था की है, लेकिन अब इन लोगों को अपने घर जाने की चिंता सता रही है। इस मामले में पंचायत प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। सरकार के आदेश अनुसार प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार करनी थी, जिससे कि मजदूरों की घर वापसी हो, लेकिन प्रशासन और प्रवासी मजदूरों की सुध लेने का आरोप है। और हम लोग 3 महीना सैलरी बाकी है, सैलरी नहीं मिल रहा है, हम लोग घर जाना चाहते हैं। कोरोना बढ़ते जा रहा है और हम चाहते हैं कि हम लोग घर जाए, हम लोग परमिट मिल जाए, यही आग्रह है आप लोग से। हम लोग 140 आदमी है, हम लोग इधर ठेकेदार रोक के रखा है काम कराने के लिए, हमको बोल रहा है, मजबूरी का फायदा भी उठा रहा है, हम लोग गाँव नहीं जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, हमको इधर ही रख रहा है, बोल रहा है आप लोग काम करो, परमिट 3 महीना, हम लोग का 3 महीना का परमिट फंसा।